Long roll, third point, action clap. नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किताब लिखी है, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। इस किताब में उन्होंने कहा है कि भारत के लोगों को बहस करना बहुत पसंद है और ये बात भारत की सरकार भी समझती है, इसीलिए भारत में हर दिन कोई ना कोई एक नया बहस खड़ा हो जाता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बहस सही मुद्दे पर हो रहा है या नहीं, इस बात की चिंता किए बिना हर कोई उस बहस में लगा रहता है। अभी एक नया बहस देश में खड़ा हुआ है कि NRC होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, NPR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, NPR और NRC क्या है और CAA क्यों लाया गया है। मेरा सवाल यह है कि कैब बना का आखिर देश को मिला क्या। वाह क्या शेर सुनाया। समझने वाली बात यह है कि CAA, NRC और NPR का आपस में क्या संबंध है। देश के गृह मंत्री देश को क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं, असल वो क्रोनोलॉजी समझा नहीं रहे हैं, देश को घुमा रहे हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले CAB आने जा रहा है, CAB आने के बाद NRC आएगा। NRC की कल्पना CAB के साथ जुड़ी है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होगा, बाद में NRC आएगा। अब बारी बारी से हम एक एक मुद्दे को आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कैब CAB CAA कैसे बना। कैब का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। जब कोई विधेयक पार्लियामेंट में पेश होता है तो जब तक वो पास नहीं हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति जी उस पर साइन नहीं कर देते हैं, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो ये जो CAB था वो पार्लियामेंट में पास होने के बाद और राष्ट्रपति जी के साइन करने के बाद वो CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये CAB का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू सिख जैन बौद्ध क्रिश्चियन जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, हमेशा के लिए प्रदान। मोटे तौर पे क्या कह रहे हैं ये बिल? मोटे तौर पे कह रहा है कि विदेश से आने वाले लोगों में कुछ हैं जो हमारे अपने हैं जिनके लिए दरवाजा खुला है, कुछ हैं जिनको हम कह रहे हैं भैया बाहर जाओ, तुम्हारा क्या मतलब यहाँ आने का, और वो बाहर जाने वाले कौन? मुसलमान। तो क्या कहना चाहते, पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, हिंदू सिख बौद्ध जैन और क्रिश्चियन जितने भी शरणार्थी आए हो वो किसी भी स्थिति में है इसको भारत की नागरिकता मिलेगी। अब CAA एक गैर जरूरी मुद्दा कैसे है? ऑलरेडी हमारा देश का कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत आकर के शरण मांगता है तो भारत उसको शरण भी देगा, और अगर वह भारत के कानून में अपना विश्वास जताता है, देश के संविधान में अपना विश्वास जताता है और यहाँ का नागरिक बनना चाहता है तो भारत में उसको नागरिकता भी दी जाएगी। तो ये CAA लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये CAA लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इनको पूरे देश में NRC लागू करना है। हम इस पर बिल्कुल साफ है कि इस देश में NRC होकर रहे। ये कब तक इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आपका ये रोड मैप क्या है? आप ये हर जगह हर इलेक्शन में के पहले हर चुनावी सभा में बोलते हैं और बोलते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से 2024 के पहले NRC आने वाला है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी NRC शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। जबकि मुद्दा यह है कि उनको पूरे देश में NRC करना है। नहीं, देश भर में करना ही चाहिए, इसका नाम ही नेशनल सिटीजन रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। तो NRC आखिर है क्या? NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक नागरिकता का इम्तिहान है जो सबसे पहले असम में लागू हुआ था। इस इम्तिहान के तहत असम में रहने वाले हर नागरिक को पीढ़ी दर पीढ़ी के अपने दस्तावेज पेश करने पड़े ये साबित करने के लिए कि वो भारत के नागरिक हैं। लेकिन असम में जब NRC हुई तो उस NRC का रिजल्ट ऐसा था जिसकी वजह से इनको CAA लाना पड़ा। हुआ क्या असम में? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि NRC की लिस्ट जारी की जाए। जब NRC का फाइनल लिस्ट जारी हुआ तो उसमें से 19 लाख लोग NRC से बाहर हुए। BJP का यह अनुमान था कि उस 19 लाख में से 15 लाख 16 लाख मुसलमान होंगे,
1,90,00,000 पहले निकले घुसपैठिए, फिर वो 42,00,000 हुआ, अंतिम आंकड़ा आया 19,00,000 का। उन 19,00,000 में से 13,00,000 यानी कि 68% निकले हिंदू। अब उन हिंदुओं के लिए प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के जरिए। तो जो फाइनल एनआरसी की लिस्ट जारी हुई उस 19,00,000 में से लगभग 15,00,000 गैर मुस्लिम लोगों का नाम आया। फिर इनके ऊपर दबाव बना कि वोट बैंक को कैसे संभाला जाए। जिस वोट बैंक के बारे में, एपीजमेंट के बारे में ये बार बार बोलते रहते हैं, उसी वोट बैंक और एपीजमेंट के ट्रैप में ये खुद फंस गए। भारत सरकार जो एनआरसी लाने की बात करती है, इसके पहले हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे, और जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तब असम के हिंदुओं को भी, क्रिश्चियनों को भी, जैन बौद्ध सिख को भी नागरिकता देने का काम करेंगे। जो बीजेपी वोट बैंक पॉलिटिक्स इस वक्त कर रही है, इससे तो घिनौनी पॉलिटिक्स हो क्या सकती है। असम में क्या खेल है कि भाई हमारा हिंदू बंगाली वोटर रह जाए, कहीं कल को वो पलट गया तो हमें क्या होगा। बंगाल में क्या पॉलिटिक्स है कि 2021 का चुनाव येन किन प्रकार जीतना है, और जीतने का एक ही तरीका है कि सारे बंगाल में हिंदू मुसलमान हो जाए तो अपना काम चल जाएगा। और 2024 तक इस देश के अंदर आप अगर कुछ ऐसा कर दो कि 10-20,00,000 1-2 करोड़ मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए तो अपना तो काम बन जाएगा। और आप जब तक इस बहस को समझा पाते तो प्रधानमंत्री ने एक बात बोलकर और गृह मंत्री ने दूसरी बात बोलकर ऐसा बहस खड़ा कर दिया कि पहले मुर्गी आई कि अंडा। प्रश्न तो ये होना चाहिए ना, चाहे मुर्गी हो या अंडा, अगर आप उसको खाना है तो आपको जरूरत होता है प्याज का, और प्याज की हालत यह है कि ये 200 रुपये किलो बिक रहा है। और इस पे बहस ना हो कि प्याज 200 रुपये किलो क्यों बिक रहा है, और इस देश की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनको क्यों बेचा जा रहा है, तो आपको इस बात में फंसा दिया गया है कि आप ये तय करते रहिए कि गंगाधर शक्तिमान है कि नहीं है। क्या शक्तिमान ही गंगाधर है कि गंगाधर ही शक्तिमान है? क्या NPR ही NRC है या NRC ही NPR है? NPR जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर्ड है, देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, ना दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि NPR के अंडे से ही NRC का आमलेट तैयार किया जाएगा। साफ साफ यह बात कहा गया है 2003 के नागरिकता संशोधन कानून में कि पहले NPR आएगा। हम भी कहते हैं, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले NPR आएगा। NPR करने के लिए सरकारी बाबू आपके घर पे आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे, आपके सवालों का जवाब इकट्ठा करके ले जाएंगे, फिर ऑफिस में बैठ करके डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जिनका नाम डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में आएगा उनको सरकार बताएगी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ला करके दीजिए जिससे आप नागरिक हैं कि नहीं हैं ये पता किया जाएगा। मतलब पहले NPR, फिर डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट, और फिर पूरे देश में NRC। ये है प्रक्रिया। NPR के लिए जो अभी प्रक्रिया चलेगी इसका उपयोग कभी भी NRC के लिए नहीं हो सकता, दो कानून भी अलग है। मैं जब कह रहा हूं दो कानून अलग है, इसका कोई सर्वे NRC के काम में आ ही नहीं सकता। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। NPR की बात है 1955 के नागरिकता कानून के भीतर, जिसमें बदलाव कर 2003 में वाजपेयी सरकार ने जोड़ा था कि देश के नागरिकों को पहचानने और रजिस्टर करने के लिए एक NRC बनाई जा सकती है। अगर यह रजिस्टर बनेगी तो उसके नियम क्या होंगे, तब बताया जाता है कि सबसे पहले जनसंख्या रजिस्टर बनेगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कैसे तैयार किया जाएगा? तो सेंसस से अलग, भारत में जो जनगणना होती है हर 10 साल में, उससे अलग अलग सेटअप तैयार करके सभी राज्य सरकारों को सूचना जारी करनी पड़ेगी। NPR करने के लिए अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, और एक क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जिस क्वेश्चन को घर घर में जा करके जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पूछेंगे, और उस क्वेश्चन का जो जवाब होगा उन तमाम आंकड़ों को इकट्ठा करके सरकारी दफ्तरों में लाया जाएगा, और फिर उस आंकड़ों को क्लासिफिकेशन करके, उसको वर्गीकृत करके डाउटफुल सिटीजन का लिस्ट तैयार किया जाएगा। डाउटफुल सिटीजन मतलब वो नागरिक जिनकी नागरिकता संदिग्ध है,
संदेह में है। अब साउथ डाउटफुल सिटीजन को ढूंढने का पूरा अधिकार जो है उन सरकारी बाबुओं के हाथ में होगा, जिन सरकारी बाबुओं पे आप कतई भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि इस देश के पीएफ अकाउंट में 40,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और वो 40,000 करोड़ रुपया इस देश के गरीबों और मजदूरों का पैसा है, वो अपना ही पैसा क्यों नहीं ले पाते हैं? क्योंकि उनका नाम वोटर आईडी में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, उसकी स्पेलिंग कुछ और है। मान लीजिए कि कोई लिखता है NILAM नीलम, कोई लिखता है NEELAM नीलम, और ई और आई के चक्कर में वो अपना ही पैसा अकाउंट से नहीं निकाल पाते। तो ये जो पूरी की पूरी कागज के आधार पे लोगों को नागरिक होने और नहीं होने का, लोगों को नागरिक बताने का और लोगों की नागरिकता छीनने का अधिकार जो सरकारी बाबुओं को दिया जा रहा है, ये अपने आप में खतरनाक है। इसके साथ साथ एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यह संदेह करे कि यह नागरिक नहीं है, तो वो जा करके सरकारी दफ्तर में अपील कर सकता है कि अमुक व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, और तब उस व्यक्ति का नाम संदिग्धों की सूची में डाल दी जाएगी। पता चला कि कोई आपसे अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए सरकार के पास जाकर के यह कह दे, यह आवेदन दे दे कि अमुक व्यक्ति नागरिक नहीं है, तो सब कुछ होते हुए आपका नाम जो है वो डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में डाल दिया जाएगा। और डाउटफुल सिटीजन की लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा उनको जाकर के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, और वह जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उसका लिस्ट अभी तक सरकार ने जारी नहीं किया है। आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, आपका वोटर आईडी और आपके बाकी जो सरकारी कागजात हैं, हो सकता है कि सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो। इसके बारे में सरकार ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। तो ये आधार, ये वोटर कार्ड और ये जितने तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं, ये क्या आपको अपने नागरिक का पहचान नहीं देते? ना जी, ये नहीं है, इससे नागरिकता तय नहीं होती है, और आधार से तो जरा भी नहीं। एनआरसी सिर्फ कहती है कि देश के जितने भी सिटीजन्स हैं उनका एक लिस्ट बने। अब ये लिस्ट आपके पास बनी पड़ी है, आपके पास इलेक्टोरल रोल्स हैं, वोटर लिस्ट है, आपके पास सेंसस है, दो लिस्ट बनी हुई है ना, आपको और करने की क्या जरूरत है? करने की जरूरत वहाँ है जहाँ आपको बहुत बड़े पैमाने पर शिकायत मिले कि वोटर लिस्ट में या कि सेंसस में विदेशी बहुत ज़्यादा घुस गए हैं। आसाम में वो समस्या थी, उसके लिए स्पेशल सॉल्यूशन की जरूरत थी, लेकिन बाकी देश में तो ये समस्या नहीं है। इसी देश के नागरिक जिनके माँ बाप, जिनके पुरखों ने इस देश में अपना खून पसीना दिया है, इस देश को बनाया है, इस देश का निर्माण किया है, उनके ही बाल बच्चों को आज इस देश में अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। और नागरिकता भी किस आधार पे? कागज के एक टुकड़े के आधार पे। उस कागज की गड़बड़ी का नतीजा ये होगा कि आपको अपने ही देश में पहले आपसे आपकी नागरिकता छीनी जाएगी, फिर आपसे आपका घर बार छीना जाएगा, आपका खेत खलिहान छीना जाएगा, और आपका जो प्रॉपर्टी है वो आपसे छीन ली जाएगी। ऐसी क्या दिक्कत है या ऐसी कितनी बड़ी समस्या है ये नागरिकता की, कि बेरोजगारी की बात हो, मंदी की बात हो, किसानों के दर्द की बात हो, उस पर इतना जोर सरकार लगाती नहीं दिखती है, लेकिन नागरिकता को लेकर बहुत बहुत जोर आजमाइश हो रही है, क्यों? कहते हैं ना कि अंग्रेजों की एक साजिश थी, डिवाइड एंड रूल। हाँ, जहाँ ना चले मोदी जी का काम वहाँ कर दो हिंदू और मुसलमान। तो डिवाइड एंड रूल, और दूसरा ये है डाइवर्ट एंड रूल। डाइवर्ट एंड रूल ये होता है कि जनता ऑलरेडी अगर किसी मुद्दे से परेशान हो रही है, जनता अगर प्याज खरीदने में परेशान हो रही है, तो उसको इस बहस में उलझा दो कि मुर्गी पहले की अंडा, NRC पहले की NPR, इस मुद्दे में उलझा दो। तो ऑल इंडिया NRC जो करने की बात हो रही है उसको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है। NPR होते ही पूरे देश में NRC अपने आप हो जाएगा, फिर सरकारी कर्मचारियों को घर घर घूमने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफिस में बैठ करके ही पूरे देश में NRC लागू कर देंगे। और जब NRC पूरे देश में हो जाएगा, तब जा करके तमाम सिटीजन को एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने की बात की जा रही है, और यह जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है ये ऑलरेडी आधार के रूप में लोगों को दिया गया है। गौतम, काफ़ी पैसा खर्च किया गया आधार नंबर बनाने के लिए, क्या आधार नंबर जो है वो NPR की ज़रूरत को पूरा नहीं करता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकारी योजनाओं को बनाने के लिए, उनके टारगेट को फिक्स करने के लिए पॉपुलेशन रजिस्टर का होना ज़रूरी है। रवीश जी, इसका एक पूरा इतिहास है, और वो इतिहास ये है कि 2010 और 11 में उस समय की UPA सरकार में काफी विवाद था कि NPR का
रास्ता लिया जाए या आधार का, और आखिर में आधार को चुना गया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पिछले 6-7 साल से पहले यूपीए सरकार और फिर भाजपा सरकार बार बार कहती आ रही है कि सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए आधार एक फूल प्रूफ तरीका है। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा सरकार के वकीलों ने यह कहा कि एक फूल प्रूफ तरीका है, क्योंकि फिर फेक करना संभव ही नहीं है बायोमेट्रिक्स के साथ। तो अगर आप इन बातों पर विश्वास करें तो आधार जब है तो उसके बाद अब NPR की जरूरत क्या है वो थोड़ा जानना मुश्किल है। सिर्फ आसाम में 1600 करोड़ रुपया खर्च किया गया है NRC को तैयार करने में। कुल नतीजा क्या है कि BJP की सरकार है वहां पे, BJP के मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे हैं कि इस NRC को रद्द कर दिया जाए और फिर से अलग से जब पूरे देश में NRC होगा तो आसाम में भी NRC किया जाए। NRC की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये NRC की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। मतलब देश की जनता का टैक्स का पैसा 1600 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक राज्य में NRC करने में 1600 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है तो पूरे देश में कितना 100 करोड़ रुपया खर्च होगा। एक आदमी का NRC कराने का असम में वो था 399 रुपए एक आदमी पर अगर NRC आप कराएं। अब हम इसी 399 को भारत की आबादी से अगर जोड़ दें या गुणा कर दें, 137 करोड़ भारत की आबादी है, तो कुल खर्चा देख रहे हैं आप, कुल खर्चा 54,663 करोड़ रुपीस। क्या ऐसा ठीक होगा जब देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर में है? क्या ऐसा कराना ठीक होगा जब कोर सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है? क्या ऐसा करना ठीक होगा जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी संकट है? क्या ऐसा करना ठीक होगा जब 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में? सरकारी आंकड़े हैं, मैं अपने आप से नहीं बना रहा। और दूसरी बात, 1600 करोड़ रुपया तो सरकार का खर्च हो रहा है। जिन लोगों का नाम डाउटफुल सिटीजन के लिस्ट में आया है उनको डॉक्यूमेंट बनवाने में कितना खर्च हुआ होगा, उनको अपने माँ बाप का नाम ठीक कराने में कितनी परेशानी उठानी पड़ी होगी। आप उसका प्रोसेस देखिए, एक एक आदमी को 5 दिन 10 दिन नौकरी छोड़ के, रोजगारी छोड़ के, अपनी मजदूरी का नुकसान करके लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ा है। डॉक्यूमेंट आप एक बार लेके जाते हैं, वहाँ ऑफिसों में धक्के खाते हैं, ऑफिस में पैसे लोग मांग रहे हैं आपसे, कोई आपका नाम अंदर करने के लिए पैसे मांग रहा है, कोई आपका नाम काट कर आपको धमका कर पैसे ले रहा है, तो इसमें सफर कौन कर रहा है? जो गरीब आदमी है। मुझे आप बताइए, असम का कोई ऐसा करोड़पति मुस्लिम जिसका नाम उसमें काट दिया गया हो, कोई ऐसा करोड़पति हिंदू जिसका नाम NRC में न आया हो? अगर NRC जैसे एक्सरसाइज हम लोग देश में करेंगे, उससे गरीब तबके के लोगों को बहुत भारी तकलीफ हो सकती है। तो ये पूरा का पूरा मामला जो है बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किसी एक जाति या धर्म के लोग परेशान नहीं होंगे, बल्कि इस देश के जो गरीब लोग हैं, जो नोटबंदी के वक्त भी लाइन में लग करके परेशान हुए थे, क्योंकि आपने नहीं देखा होगा किसी भी अमीर को ATM के लाइन में लगे हुए, उनको कोई परेशानी नहीं हुई थी, इस देश के आम गरीबों को परेशानी हुई थी। एक बार फिर से अपना कागज़ बनाने के लिए, अपना कागज़ दिखाने के लिए, इसी देश में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए उनको लाइनों में खड़ा किया जाएगा। गुवाहाटी से 80 किलोमीटर दूर दलिमबाड़ी में 71 साल की सर्व बाला मलिक और उनके बेटे परितोष असम के संदिग्ध वोटरों की सूची में हैं। उन्हें बांग्लादेशी माना जा रहा है। इससे पहले 1983 में असम आंदोलन के चरम पर हुई नस्ली हिंसा में सर्व बाला के शौहर की मौत हो चुकी है, उनकी झोपड़ी जला दी गई थी। लेकिन असम आंदोलन की अगुवाई करने वाले ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन का ये दस्तावेज मदन को शहीद तो करार देता है, लेकिन उनका पूरा नाम मदन मलिक के बजाय मदन सरकार बताता है, और यही गलती भारी पड़ गई। हमारे परिवार के कुल 13 सदस्यों के नाम NRC में नहीं हैं, क्योंकि दो लोग, मैं और मेरी माँ, डी वोटर हैं। हालांकि हम शहीद के परिवार से हैं, फिर भी डी वोटर हैं और संदिग्ध बांग्लादेशी हैं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? और यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वह देश के आम लोगों के, उनके जो बुनियादी सवाल हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, विकास, आत्मसम्मान, इन चीजों से गुमराह करने के लिए है। इसीलिए जो लोग भी इस देश से प्यार करते हैं, इस देश के नागरिक हैं, जिनके पुरखों ने लड़ करके इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराया था,
उनको यह बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे बाप दादा लड़े थे गोरों से, हमको लड़ना पड़ेगा चोरों से, और ये चोर जो राफेल का कागज़ नहीं दिखा रहे हैं, आपसे आपके दादा के दादाजी का कागज़ मांग रहे हैं। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया एक गैर वाजिब प्रक्रिया है, इसका विरोध होना चाहिए। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी हिंदू मुसलमान के बहस से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के लिए, संविधान के लिए वो भी परेशान हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट के चलते उनको भी परेशान किया जा सकता है, अपने हक के लिए और न्याय के लिए ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए और इस देश विरोधी कानून का विरोध करना चाहिए। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहां पता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है कि कैब बना का आखिर देश को मिला क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।